छत्तीसगढ़ की ओर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में कांग्रेस का संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। शिविर का शुभारंभ राजकीय गीत और राष्ट्रीय गीत के साथ किया गया। कांग्रेस के संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में किसानों का धान सबसे ज़्यादा कीमत पर खरीदने वाली पहली सरकार है। उन्होंने बीजेपी के रमन सिंह सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सरकार सिर्फ वादों की सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। इनकी सरकार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग 40% थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जैसे ही प्रदेश में बैठी तो नई नई योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए, वहीं गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशत में गिरावट आई है। से 85 सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये है कि बहुत कोशिश लोग किए थे नया बदलेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। वही सब पुराने चेहरे हैं, वही रमन सिंह हैं, वही प्रेम प्रकाश पांडे हैं, वही बिल मोहन है, वही अमर है, वही राजेश मोहन है, वही केदार कश्यप है, विष्णु देवसा है, वही सब।